छोटी सी फैमिली बड़े ही प्यार से लोगों को नूडल, मंचूरियन, पास्ता ऐसी चीज़ें खिला रहे हैं और ये खाना वो पिछले 25 सालों से खिला रहे हैं। अगर आपकी जेब में 10 रुपये या 5 रुपये है, आपको भूख लग रही है, तो आप इनके पास आओगे तो ये आपको खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे, बहुत प्यार से खाना देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी नज़र में छोटा बड़ा कोई भी नहीं है। आप आओ, खाना खाओ, इन्जॉय करो और पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो सिंह साहब यहाँ पे नूडल्स बनाने लगे हैं। 11 फेस मोहाली के बहुत ही ज़्यादा फेमस। सिंह साहब आप अपना नाम बता दीजिए। आपका नाम क्या सर? हैप्पी दिलविंदर सिंह। हैप्पी। अच्छा, आपका नाम हैप्पी, आपके नाम से दुकान है। बहुत ही यार, जब हम 11 फेस में घूम रहे थे, हमने काफ़ी लोगों से पूछा यहाँ बढ़िया खाने पीने की जगह क्या है, तो काफ़ी लोगों ने हमें बताया कि सरदार जी के पास चले जाओ, यहाँ पे आप निराश नहीं होगे। अच्छा जी, कितने साल पुरानी दुकान अपनी? अपनी 1984 की दुकान में बैठे हुए जी। 1984। हाँ जी, 84 तो आए हुए हैं। तो अपना 84 के बाद ऐसा 25 साल हो गए कंटिन्यू दुकान कर रहे हैं। 25 सालों से आप नूडल्स बेच रहे हो? खाली नूडल, पहले स्टार्टिंग में नूडल था, अब सारा सामान है। नूडल, मंचूरियन, पास्ता, जुम्मे वाली वाला काम है, वो वाला काम दे भी बना के दे दे तो छुट्टी, वो वाला काम नहीं है। तो क्वालिटी मिलेगी, चाहे हमारा माल आप 2 घंटे बाद खाओ, 4 घंटे बाद खाओ, शिकायत आती तो हमारे को फ़ोन करके बताओ। क्या मतलब पूरी जिम्मेवारी लेंगे आप? हाँ जी। ये सर कितने प्लेट नूडल तैयार हो रहे हैं? जिसमें इस टाइम एक साथ में जो होती है 8-10 प्लेटें तैयार हो रही है। 10 फुल प्लेट। फुल प्लेट 10 है ना? अपनी सारी फैमिली काम करती है ना यहाँ पे? हाँ जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कस्टमर को घर की तरह डील करते हैं और हर एक चीज़ जो होती है खुद बना के खुद सफाई से देते हैं। कोई नौकर नहीं रखा हुआ, कोई मतलब सारे घर के ही आदमी, सारे घर के मेंबर काम करते हैं। हाँ जी, आपको घर वाला ही टेस्ट मिलेगा। अभी मसाले जा रहे हैं जी उसमें। ये लाल शेजवान सॉस आ गई, सर ने खुद ही बनाई हुई है सॉस। सर अपनी प्लेट कितने की होती है नूडल्स की? हाँ जी, नूडल्स की प्लेट कितने की अपनी? फुल 80 रुपीज की है, हाफ 50 की है और क्वार्टर 30 की है। आप क्वार्टर प्लेट भी देते हैं? क्वार्टर भी देते हैं, 30 की। अगर कोई वैसे आ जाए 20 की खानी है, 10 की खानी है, उसको भी जवाब नहीं देते। क्या बात है। तो ये नूडल्स आ गए यार भर भर के कढ़ाई के अंदर, पूरी कढ़ाई सिंह साहब ने नूडल्स के साथ ढक दी है। ये क्या आ गया सर? नूडल्स बन गए हैं सर? बन गए जी, बस 2 मिनट का काम है ये तो। अच्छा, तो मिक्सिंग हो रही है नूडल्स की, सारी सॉसेस, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे नूडल्स के अंदर। पिछले 8 साल हो गए हैं यहाँ पर आते हुए। okay. इनके नूडल्स हमें 20, 30, 40, 50 जितने की आपको रिक्वायरमेंट होती है उतने की मिल जाते हैं और बहुत यम्मी है। कुछ भी हो हम लोग यहीं पर ही आते हैं। एक इनका सर विंटर्स में टमाटो सूप और चना का सूप होता है, वेजिटेबल सूप है, वो आप कभी ट्राई करना, बहुत अच्छा है। सब कुछ ऑल ऑफ सब कुछ बहुत अच्छा है। कितने के नूडल्स दिया? 30 रुपीज के। आप क्वांटिटी देखिए कितनी सारी है। और एक बंदे के लिए सबसे एक नहीं, ये देखिए मैं एक्स्ट्रा ली है एक प्लेट। ये दो बंदे खाएंगे इसमें से। क्या बात है। और इतना कहीं भी नहीं, हमारी मार्केट में इनफेक्ट 100 रुपीज में मिलता है इतना एक बाउल में, ये 30 में मिला है। थैंक यू सो मच। तो अभी लग रहा है जी पास्ता, और आंटी जी बना रहे हैं हमारे लिए पास्ता। कौन सा पास्ता होता है? मैं भी पेने पास्ता। पेने पास्ता। और सॉस कौन सी होती है सर इसमें? स्पेशल बनाए हुए हैं, मसाले मिक्स करके बनाए। अच्छा, तो नॉर्मल जो मार्केट में व्हाइट एंड रेड पास्ता मिलता वो चीज़ नहीं है? रेड आपका अपना अलग मिक्स पास्ता, रेड एंड व्हाइट मिक्स मिलेगा ये पास्ता। और एक वो आ गया चिली फ्लेक्स, आ गया पास्ता के अंदर सब्जियाँ, देखो बहुत ढेर सारी जा रही है पास्ता में। मैम ये कितनी प्लेट तैयार कर रहे हो आप अभी पास्ता की? इसमें भी क्वार्टर मिल जाती है? इसमें भी क्वार्टर दे देते हैं। वो कितनी की है सर? 40 रुपीज। सर 40 रुपये से पास्ता कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे दूध मिल जाता है। सिंह साहब ने ऐसी रेट लिस्ट रखी हुई कि हर बंदे की जेब पर भारी नहीं रहेगी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर एक आदमी की इच्छा करते हैं सही रेट में अच्छी चीज़ मिल जाए, तो उसको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बढ़िया।
सॉस सॉस आ गई जी, रेड सॉस। रेड सॉस आ चुकी है पास्ता के अंदर। प्लेट के पास ये आ गई वाइट सॉस। ग्रेवी सॉस तैयार हो चुकी है पास्ता की। मिक्स ग्रेवी यहाँ रेड एंड वाइट का मिक्सचर पिंक पास्ता के अंदर। तो ये पास्ता आ गया जी ग्रेवी के अंदर। और क्या भर के शर्मा की क्वांटिटी आई है पास्ता की, बहुत बिल्कुल लोडेड हो चुका है। बहुत जल्दी बन गया पास्ता। मैगी की स्पीड में पास्ता बन चुका है। मैगी स्कैम तो होता ही आ रहा है। ये पास्ता स्कैम बहुत जल्दी बन गया। तो सिंह साहब ने यार हमारे लिए नूडल्स बना के दिए अपने बहुत ही ज़्यादा फेमस, जो 25-30 सालों से हमें बेच रहे हैं, और साथ में दिया सिंह साहब का स्पेशल पंजाबी तड़का मार के पास्ता। पास्ता का स्वाद देखते हैं। ओहो, बिल्कुल सिंपल देसी पास्ता है ना, इसको रेड सॉस बोल सकते हो ना वाइट सॉस, पिंक सॉस। और ये नूडल्स ये वैसे ही है जैसे चाइनीज कार्ड में मिलती है, पर यहाँ पे सिंह साहब बहुत ही प्यार से खिला रहे हैं। जो एक चीज़ जो इनको सब लोगों से अलग बनाती है वो इनकी दिलदारिता, इनका प्यार, डेडिकेशन और डेडिकेशन। इनकी दुकान पर अगर आप 10 रुपये भी लेके आ रहे हो ना तो आप भूखे नहीं जाओगे। आपको नूडल मंचूरियन जो भी आप आइटम खानी चाहोगे, जो 80, 100, 150 जो भी प्राइस है इनके, पर आपको सिंह साहब 10 रुपये में भी दे देंगे, आप खा सकते हो। इनका कहना है कि जेब में पैसा कम हो तो स्वाद के लिए आप अछूते ना रह जाओ, आपको मिलेगा। तो सिंह साहब आपने प्राइस इतना ज़्यादा कम क्यों रखा हुआ चीज़ों का, कि मतलब कोई भी आ रहा मैं देख रहा हूँ लोग 10 रुपये भी दे रहे हैं तो आप नूडल दे देते हो? नहीं, पता क्या चीज़, देखो महंगाई के ज़माने में अच्छी चीज़ मिलना बहुत ही मुश्किल काम है, और किसी को अगर कोई आप अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो एक तरह की सेवा वाला ही काम है कि आप उनको अच्छी चीज़ दे रहे हो जिस रेट में उनको कहीं नहीं मिल सकती। जो चीज़ मार्केट में 180-190 रुपये की है, आप हमारे पास 20 रुपये की भी खा सकते हो। किसी को अपनी इच्छा नहीं मारनी पड़ेगी, अगर कोई नूडल्स खाना चाहता है 10 रुपये में भी खा सकता है। वो 10 रुपये में भी खा सकता है, 20 रुपये में भी खा सकता है, 30 रुपये में भी खा सकता है। वैसे फुल प्लेट का 80 रुपये रेट है और हाफ 50 रुपये, वो भी बहुत कम रखा आपने वैसे। उसके लिए कि ये कस्टमर पता है क्या, महंगाई इतनी बढ़ गई है, अब हर एक आदमी की इच्छा तो करती है कि मैं अच्छी चीज़ खाऊँ, पर अगर मिलेगी नहीं तो खाएगा क्या। बिल्कुल सर। सिंह साहब लोकेशन के यहाँ की अपनी 11 फेज पालिका मार्केट के आगे नियर पेट्रोल पम्प के साथ साथ में। दुकान का नाम क्या सर? हैप्पी नूडल्स सर। हैप्पी नूडल्स। और ये हैप्पी फास्ट फूड एंड जूस कॉर्नर है। टाइमिंग क्या रहती है सर? शाम को 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। ठीक है सर, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया।